भाई गाड़ी है ना यार, चोर मन रोला कौन सुबह आकर। मैंने आपको बोला ना इस भजन में आप प्लीज इधर ध्यान दो, सच्चे दरबार की कोई बात सुना के जाऊंगा ना, फायदे की कोई काम की बात सुना के जाऊंगा, सच्चे दरबार की बोल गुरु गोरखनाथ की। जब 12 साल की तपस्या पूरी करके गुरु बचंद्रनाथ उस गोरखपुर की गलियों में अलख जगा रहे हैं, और अलख जगाते जगाते जब जब उस सरस्वती ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे, वो सारा वाक्य इस भजन के द्वारा आपको सुनाता हूँ। सच्चे दरबार की जय जय। हेलो 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 हेलो। होए गयो की अलख जगा मेरी माई, भिक्षा दे गाल। देखो फकीर की झोली सबके सिर की होया कर के मेरा, हाँ किसका दिया किसके सारा लग जा सच्चे दरबार। आज ये फकीर इस दरबार में है और यो फकीर भी आपसे झोली पसार कर जिसने जो फूकेगा वो इस झोली में डालेगा सच्चे दरबार की। हो यो की अलख जगावरी भाई निकसारे जुग जुग बसी और माई बिगड़ा दे डाले तारा खेला जुग जुग बसी।
Oh!
यारी कर्म की मारी, मैं दुखी यारी कर्म की मारी, मैं दुखी यारी कर्म की मारी, बाज कवैया मन दुनिया सारी, बाज कवैया मन दुनिया सारी, मैं दुखी यारी कर्म की मारी, बाज कवैया मन दुनिया सारी, हमारा कुल का दीप जगा दे योगी मानो बबूत का मैं क्या करूं सजनों
वह बहू वह माई की बेटी एक कुड़ी पर घेरी आवे है। उस कुड़ी पर घेरी आवे है। कुड़ी पर घेर के आने के बाद अपना समय वैसे ही व्यतीत करने लगी जैसे पहले रहा करती। सच्चे दरबार की गुरु गोरखनाथ की गुरु मच्छंदर नाथ की। फिर एक साल बीता, दो साल बीता, चार साल, दस साल, पूरे 12 साल बीत गए। गुरु मच्छंदर नाथ फिर अपनी तपस्या से एक बार बाहर आए और याद करने लगे कि उस माई की बेटी ने जो वरदान दे के आया था, चल उस लाल के तो दर्शन करके आऊं। उस लाल ने देखो तो वो लाल किसा है। सच्चे दरबार की जब 12 साल बाद उन गोरखपुर की गलियों में दोबारा गुरु मच्छंदर नाथ आए और फिर वही बात दोहराने लगे। और एक योगी अलख जगा बड़ी भारी बिच साथे घारा है। एक योगी अलख जगा बड़ी भारी बिच साथे घारा है। एक योगी अलख जगा बड़ी भारी बिच साथे घारा है। 12 साल बाद दोबारा से उसी द्वार के आगे अलख जगाई। दोबारा निकल के आती है अपने द्वार से बाहर। मास्टर जी दोबारा अपने घर से बाहर निकल के आती है। गुरु मच्छंदर नाथ कह लागे, हे माई की बेटी, ले उस लाल के तो दर्शन करवा जो 12 साल पहले तुमने वरदान में देकर गया था। वो माई की बेटी कह लागी, बाबा किसका लाल, किसा लाल, कितना ले आऊं लाल बाबा, मैं तो संतान ही हूं बाबा, मेरे तो कोई संतान है कोई बाबा। संतान को नहीं, हे माई की बेटी धोखा ना करे, जो 12 साल की तपस्या का प्रसाद तुमने दे के गया था वो प्रसाद पड़ा है। कौन सा प्रसाद बाबा? हे माई की बेटी, जो भभूत तुमने दे के गया था वो भूत गड़े से। बाबा वाह भभूत, वाह भभूत, तो बाबा मैं कुड़ी पे गिर आई बेटी, कुड़ी पे गिर आई, तेरे थोड़ी दया भी नहीं आई, तू 9 करोड़ का लाल तू कुड़ी पे गिरी आई। सजनों जब गुरु मच्छंदर नाथ उस सरस्वती ब्राह्मणी तक कहने लगे कि वह कुड़ी दिखा कर ऐसी है, बोले बाबा वह कुड़ी, चल उस कुड़ी पे जाके। जब गुरु मच्छंदर नाथ ने आवाज लगाई कि बेटा गोरखनाथ, हे बेटा गोरखनाथ, तो सजनो उस कुंडी के भीतर से आवाज आई, गुरु जी मन बार बाज ले हो, मन हो लिए 12 साल, गुरु जी मन बार बाज ले हो, मन हो लिए 12 साल, मन हो लिए 12 साल, गुरु जी मन हो लिए 12 साल, गुरु जी मन बार बाज ले हो, मन हो लिए 12 साल, गुरु जी मन मैंने 12 साल हो गए इस कुड़ी में रहते बाबा। क्या लागे मास्टर जी? नींद आ लगी। क्या लागे वो सरस्वती ब्राह्मणी के, बाबा मेरे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया बाबा, मैं आपकी इस प्रसाद में समझ को नहीं पाई बाबा। और प्रार्थना करने लगी कि बाबा इसा कौन सा अपराध करे मन है बाबा, मैं तेरा प्रसाद ने भी भूल गई। जब 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 उस माई की बेटी ने उस कुड़ी को छाकना चालू करा, जब जब उस कुड़ी के भीतर से गुरु गोरखनाथ जी की उत्पत्ति हुई, बोल सच्चे दरबार की आदेश। जब जब 12 साल बाद गुरु गोरखनाथ जी बाहर आए, गुरु मच्छंदरनाथ जी कहने लगे, बाबा मैंने कौन सा अपराध करा कि मैंने कुड़ी का भाग मिला। और सजनो
भर जा लागन ने तो राख की चुटकी लाग जाना लाख रुपए की दवाई को लागे सच्चे दरबार की क्या लागे के बाबा ईसा मने कौन सा अपराध करे जो मने कूड़ी का भाग मिला को सजनो या कावत गलत कोनी आपा कया कराने एबे बे 12 साल में तो आज कूड़ी का भाग जाग गया तो या कावत इस तरह बनी है। एक बार ताली बजाओ गुरु गोरखनाथ और सच्चे दरबार की। और क्या लागे बाबा इस अपराध मने की करा था मैं भी किसी माई के पेट से जन्म लेंदा मने भी कोई माँ बेटा क्या कर बोलती बाबा बाबा इस अपराध मेरे गला क्यों बाबा। और कह लागे गुरु गोरखनाथ कहाना आजा लाड ले होली 12 साल कहाना आजा लाड ले होली 12 साल आजा लाड ले होली 12 साल ओ मन होली 12 साल गुरु जी मन होली 12 साल वरदान मिला। उस वरदान में झूठा ठहराया और कैसे गुरु गोरखनाथ की एक कूड़ी से उत्पत्ति हुई सच्चे दरबार की। आओ अगर अच्छी लगी हो समझ आई हो तो फिर ताली जरूर बजाओ।